100 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 70 लॉन्च मिशन, 9 स्टूडेंट सैटेलाइट्स, 2 रीएंट्री मिशन, 269 फॉरेन सैटेलाइट 32 देशों की। दोस्तों अब इसरो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारत का गौरव जिसकी कामयाबी के आगे दुनिया सिर झुकाती है, जिसकी हर एक हरकत टीवी चैनलों और अखबारों की हेडलाइन बन जाती है, जिस पर हर भारत को गर्व है, उसका नाम है इसरो, जिसने स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में दुनिया के सामने मिसाल कायम की है, जिसका नाम सुनकर नासा जैसी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी भी इसरो का लोहा मानने लगी है। और माने भी क्यों ना, इसरो ने अपने कारनामों से दुनिया को हिला जो दिया है। आइए जानते हैं साल 1969 से अब तक कैसा रहा इसरो का कामयाबी भरा सफर, और आपको बताएंगे इसरो के फ्यूचर मिशंस के बारे में, मिशन कॉस्ट के बारे में, बजट के बारे में और भी बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग होने से पहले मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बता दूं कि इसरो इंडियन गवर्नमेंट का एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी तक कभी भी लॉस में नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने कभी भी लॉस जनरेट नहीं किया है। तो दोस्तों आप इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इसरो ने भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है, जिससे भारत आज एक गौरवशाली देश बनकर सामने आया है। भारत ने 1962 में डिसाइड किया था कि अब उन्हें भी स्पेस के बारे में जानना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाया, पर काम ज्यादा होने की वजह से स्पेस एजेंसी को अलग करके एक नया ग्रुप बनाया, तब जाके इसरो बना। इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने 1969 में इंडिपेंडेंस डे के दिन की, इसलिए उन्हें इसरो का जनक भी कहा जाता है। इसरो को अंतरिक्ष विभाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसरो ने पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था, जिसका नाम आर्यभट्ट था, पर उस समय भारत के पास लॉन्च व्हीकल नहीं था। तब रशिया ने भारत की मदद की और इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुई। ईयर 1979 तक इसरो अपने खुद के पूर्ण स्वदेशी सैटेलाइट बनाने में तो कामयाबी हासिल कर चुका था, पर अभी भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों की सहायता लेनी पड़ती थी। लेकिन 1980 में अपने खुद का सैटेलाइट बनाकर इसे स्पेस में भी सफलता के साथ लॉन्च कर दिया। भारत ने 18 जुलाई 1980 को पहला स्वदेशी उपग्रह मतलब सैटेलाइट SLV-3 लॉन्च किया, और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इस तरह इसरो ने पूर्ण स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका निर्माण और प्रशिक्षण पूरी तरह से भारत में किया गया। आपको यह जानकर गौरव होगा कि अमेरिका, जापान, रूस, चीन, फ्रांस के साथ भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जो अपने देश में सैटेलाइट बनाने के साथ साथ उसे अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखते हैं। 1990 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV तैयार किया। 1993 में PSLV की मदद से पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। साल 2001 में पहले GSLV को लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से GSAT-1 सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि PSLV और GSLV क्या है। इसरो के पास दो मुख्य रॉकेट हैं, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV। इसमें PSLV का प्रयोग छोटे तथा हल्के सैटेलाइट रॉकेट को छोड़ने के लिए किया जाता है। PSLV के द्वारा अभी तक 70 से ज्यादा सैटेलाइट छोड़े गए हैं। GSLV का प्रयोग भारी उपग्रह मतलब भारी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए किया जाता है, जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इसरो ने साल 2008 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, चंद्रयान मिशन। चंद्रयान-1 अभियान के अंतर्गत इसरो ने मानव रहित यान यानी कि अनमैन व्हीकल, जिसके अंदर कोई इंसान नहीं था, को रिसर्च करने के लिए चांद पर भेजा। चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया और चांद तक पहुंचने में इसे करीब 5 दिन लगे, और चांद की कक्षा में स्थापित होने के लिए इसे 15 दिन का समय लगा। वैज्ञानिकों का मानना था कि चंद्रयान 1 से 2 साल तक काम करता रहेगा, परंतु दुर्भाग्य 10 महीने बाद ही अगस्त 2009 को चंद्रयान से संपर्क टूटने के बाद ही इस मिशन का अंत हो गया। पर अच्छी बात यह रही कि इन 10 महीनों में ही चंद्रयान ने अपना 95% काम पूरा कर लिया था। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान की वजह से भारत चांद पर पानी खोजने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान ने चांद पर मौजूद चट्टानों पर पानी होने के पुख्ता सबूत भेजे थे, जिसे दुनिया की बाकी अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी माना। चंद्रयान-1 की कॉस्ट टोटल 386 करोड़ थी, जो कि सबसे कम कॉस्ट थी किसी भी स्पेस एजेंसी की मून मिशन के लिए। चंद्रयान-1 की सफलता के बाद इसरो ने चांद पर एक और मिशन भेजने की योजना बनाई है। इसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। 5 साल बाद 2013 में इसरो ने मंगल अभियान शुरू किया। मंगलयान मिशन के तहत इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की ओर एक सैटेलाइट भेजा था, जो 298 दिन की यात्रा के बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचकर सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। मंगलयान के मंगल पर
पहुंचने के साथ ही भारत पहले ही प्रयास में मंगल में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इससे पहले किसी भी देश का पहला मंगल अभियान कामयाब नहीं हुआ था। भारत मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला एशिया का पहला देश भी है, क्योंकि इससे पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। भारत विश्व में इकलौता ऐसा देश है जिसने पहली ही बार में मंगलयान के माध्यम से मंगल ग्रह पर पहुंचने की सफलता प्राप्त की। इससे पहले अमेरिका ने 5 बार, यूरोपियन यूनियन ने 8 बार और चीन और रूस भी पहले प्रयास में असफल थे। अप्रैल 2016 में PSLV रॉकेट के जरिए भारत ने अपना GPS नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा और अमेरिका की तरह अपना GPS सिस्टम नेविक बनाने में कामयाब हुआ। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को PSLV-C37 के द्वारा 104 सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया और सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और भारत का नाम ऊंचा किया। इसरो का 2018-19 का बजट 10,783 करोड़ रुपए है, जो कि लगभग $1.7 बिलियन है। पिछले 40 सालों में इसरो में जितना पैसा खर्च किया है वह नासा में एक साल के खर्च से भी आधा है। इससे एक बात तो जरूर पता चलती है, बड़ी सफलता पाने के लिए सिर्फ पैसों की ही नहीं दिमाग की भी जरूरत होती है। अब बात करते हैं इसरो के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। चंद्रयान 2 का मिशन। चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस मिशन में एक यान चांद की कक्षा में 100 मिलीमीटर नजदीक तक जाएगा। इसके बाद एक लैंडर और रोबोटिक रोवर यान से अलग होकर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। इसके बाद 6 छोटे पहिए वाला रोवर चांद की सतह पर छोड़ा जाएगा, जो सेमी ऑटोनॉमस मोड में काम करते हुए चांद की सतह और उसकी मिट्टी की जांच करके उसकी रिपोर्ट इसरो को भेजेगा। बता दें कि इसरो द्वारा अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 प्रोब मिशन चांद पर भेजा गया था, लेकिन चंद्रयान 2 का एक रोवर मिशन है जिसके द्वारा हमें चांद की बनावट, उसकी सतह, वहां के वातावरण और उसकी सतह के नीचे दबी बर्फ के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत काम की होगी। अगला है ह्यूमन मिशन टू स्पेस। भारत पहली बार किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस अभियान में 10,000 करोड़ से भी कम खर्च आने की उम्मीद है। इसरो के मुताबिक मानव मिशन 2022 के तहत भारत अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्रचीता या बेटी अंतरिक्ष में होगा और तिरंगा लहराएगा। अगर यह होता है तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश होगा जिसने मानव यान अंतरिक्ष में भेजा हो। फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन ही मानव यान को अंतरिक्ष में भेजने में समर्थ हैं। अगला है आदित्य मिशन, मतलब सोलर मिशन। आदित्य एक सैटेलाइट है जो सूर्य के सबसे भारी भाग का अध्ययन करेगी, क्योंकि अभी तक सूर्य के भारी भाग का अध्ययन केवल सूर्य ग्रह के समय ही किया जा सकता है, तो यह मिशन 2019-20 में प्रस्तावित होगा। मंगलयान 2। मंगलयान के मिशन की कामयाबी के बाद इसरो के साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि मंगलयान 2 को 2021-22 में लॉन्च किया जाएगा। ये भी चंद्रयान 2 की तरह रोबोटिक रोवर यान होगा। शुक्रयान 1। जी हाँ दोस्तों, मंगलयान के कामयाबी के बाद, मतलब मार्स मिशन के कामयाबी के बाद, अब इसरो का अगला प्रोजेक्ट है वीनस और जुपिटर का। जी हाँ दोस्तों, इसरो के साइंटिस्ट डिसाइड कर रहे हैं कि एक ही स्पेसक्राफ्ट से जुपिटर और वीनस दोनों के बारे में पता लगाया जा सके और ये मिशन 2022-23 में लॉन्च हो सकता है और ये मिशन पूरे 33 महीने का होगा। अगर एक स्पेसक्राफ्ट से दो ग्रहों के बारे में पता लगाया जा सकता है तो इस कामयाबी में भी इसरो पहले नंबर पर आएगा, क्योंकि दोस्तों इसरो अपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस और टेक्नोलॉजी के नाम पे जाना जाता है। अगला है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, RLVTD। ये व्हीकल स्पेस शटल को ऑर्बिट में छोड़कर एक एयरक्राफ्ट की तरह वापस आने लायक बनाया गया है। इसे दोबारा से यूज किया जा सकेगा। स्पेस मिशन की कॉस्ट 10 गुना कम हो जाएगी। इसरो के इंजीनियर का मानना है कि सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में सेटल करने की लागत कम करने के लिए रीयूजेबल रॉकेट काफी कारगर साबित होगा। रिसेट 1A, ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगी जो कि तीसरी सीरीज होगी रिसेट सैटेलाइट की। इसको भी डेवलप किया है इसरो ने। ये एक लैंड बेस्ड मिशन होगा जो कि मैप करेगा ओशियन, लैंड और वाटर के बारे में, साथ साथ ये पूरी जानकारी देगा लाइट और वेदर कंडीशंस के बारे में, और ये सैटेलाइट लॉन्च होगी 2019 में PSLV के द्वारा। दोस्तों अगला मिशन है निसार। निसार नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन है। ये एक डुअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक रेडार सैटेलाइट होगी। ये दुनिया की पहली डुअल फ्रिक्वेंसी वाली सैटेलाइट होगी। इसका मेन एम होगा कि एनालाइज करना आइस शीट कोलैप्स को, इकोसिस्टम के बारे में, नेचुरल हजार्ड जैसे कि वोल्केनो, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी के बारे में।
इसका बजट लगभग $1 बिलियन है। ये 2020 को इंडिया से लॉन्च होगी और इसका मिशन ड्यूरेशन है 3.25 साल। तो दोस्तों, जहां इसरो के साइंटिस्ट एक समय अपने रॉकेट पार्ट्स को लेकर साइकिल के जरिए ले जाते थे, वहीं अब इसरो दुनिया के सामने अपने लोहा मनवाया है। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।